अस्सलाम वालेकुम फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से पिज़्ज़ा कप्स। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। हम इन्हें विदाउट ओवन बनाएंगे। ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है, हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसे कुक करेंगे और फिर इसे हम श्रेड करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले 2 चम्मच दही ली है, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ही मैं शामिल करूंगी सिरका। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को 2 घंटे के लिए इसमें मैरिनेट करेंगे। दो घंटे हो चुके हैं, हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसे कुक करेंगे। एक पैन में 1 टेबलस्पून घी या ऑयल ऐड करें और इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करें। इसे इतना पकाएंगे यहाँ तक कि चिकन अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन तैयार है, अब हम इसे श्रेड करेंगे। मैंने हल्का सा इसे चॉपर में चॉप कर लिया, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अब उसी पैन में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करें और इसे हल्का सा सोटे करेंगे। इसी में ही अपना चॉप किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ऑलरेडी पक चुका है, अब हम जस्ट इन्हें मिक्स करेंगे। पिज्जा डो की रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने पिज्जा डो का एक बॉल बना लिया है, अब मैं इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। हम एक पार्ट लेंगे और उसे बॉल की शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह बाकी पार्ट्स के साथ भी करेंगे। अब हम जस्ट एक बॉल लेंगे और उसे बेल लेंगे। आपने इसे बारीक नहीं बेलना है, इसे मोटा मोटा ही बेलना है। अब एक कटर या किसी ग्लास की मदद से इन्हें गोल काट लेंगे। बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट हम निकाल लेंगे। अब एक कपकेक ट्रे या फिर मफिन ट्रे लेंगे। कपकेक ट्रे में जो हमने सर्कल्स काटे थे डो के वो लगाएंगे। एक फोक की मदद से इन सब में सुराख कर लेंगे। अब इसमें पिज्जा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप जस्ट केचप लगा सकते हैं। चिकन और शिमला मिर्च का जो मिक्सचर बनाया था उसे ऐड करें। मैं क्यूब्स में कटी हुई बारीक प्याज लगा रही हूँ। अब हम इन पर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। ब्लैक या ग्रीन ऑलिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम इन्हें विदाउट ओवन बना रहे हैं तो मैंने एक बड़े बर्तन में स्टैंड रख के उसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें अपनी पिज़्ज़ा कप ट्रे रखेंगे। इसे कम से कम 35 मिनट के लिए बेक करें। पिज़्ज़ा कप्स तैयार हैं।
आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।